हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जुडिशियल सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मीन्स कैग यानी CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस संस्थान के बारे में, इसके क्या उपबंध संविधान में दिए गए हैं, कौन सा पहला जो है अभी तक जो है कैग बन के आए हैं भारत में, और इसके क्या इतिहास है और इसकी क्या शक्तियाँ और उसके विस्तार के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसका नाम है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगर नाम से ही देखें तो इसमें दो शब्द आते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनका जो कार्य है वो महालेखा परीक्षक का तो है, परंतु नियंत्रण का नहीं है। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में जो इनकी शक्तियाँ हैं उसमें ये सिर्फ महालेखा परीक्षक की तरह, यानी जो सरकारी संस्थान है, जितने भी गवर्नमेंट है या अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सभी के लिए ये सभी का जो है निरीक्षण करते हैं और उनका ऑडिटिंग करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है ये संसद में भेजते हैं। अब आते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1860 में, यानी कैग की जो स्थापना हुई है वो 16 नवंबर 1860 में हुई है। और इस समय जो प्रेजेंट हमारे CAG हैं ये हैं राजीव महर्षि, और ये जो है 25/9/2017 से लेकर 7/8/2020 तक रहेंगे। अब आते हैं इनकी शक्तियों और इनके लोगोज और उसके बारे में बात करते हैं। इनका जो लोगो है वो है, लोगो के जो डेवलपमेंट किया है ये 10 नवंबर 2010 को किया गया है, और जो इसका लोगो का नाम है वो है शिवम दुआ। शिवम दुआ इस लोगों का नाम है, जो कि एक BTech के छात्र रोहतक के हैं, उन्होंने किया है, इसका डिज़ाइन किया है। अब आते हैं इसके इतिहास में, 1860 में अंग्रेज़ों ने सरकारी अकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग कार्यों को एक साथ मिलाते हुए ऑडिट विभाग की स्थापना की थी, यानी अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों को मिलाकर जो है इस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। 1919 में इसे ऑडिटर जनरल वैधानिक दर्जा दिया गया, 1919 का जो अधिनियम आया था उसके बाद से इसको जो है वैधानिक दर्जा दे दिया गया, लीगल स्टेटस को डेवलप हो गया। आते 1935 में ऑडिटर जनरल के दायित्व को बढ़ाते हुए इसको परिभाषित किया गया। अब इसकी संवैधानिक स्थिति को देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग का उपबंध दिया गया है। देखिए, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है वो लोग कार्य करते हैं, तो जो कैग की जो पोस्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में नहीं आती है। इसको हटाने का वही उपबंध है जो कि भारत के जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने का उपबंध है, सेम उसी तरह का उपबंध है इसको हटाने का, जिसे हम लोग एक तरीके से महाभियोग कह सकते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब आते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत देश का एक यानी एक महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कैग जो है इसकी पावर में नियंत्रण नहीं होता है, ये नियंत्रक नहीं होता है, सिर्फ इसके नाम में ही ये नियंत्रक शब्द का प्रयोग किया गया है, वरना ये सिर्फ लेखा परीक्षक ही होता है। और अनुच्छेद 149 में उसके दायित्वों और शक्तियों के बारे में बताया गया था। सेक्शन 149 प्रोवाइड द लाइबिलिटीज एंड द पावर ऑफ द CAG दिलाता है। इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और यह वह भारत का ऑडिटर ऑडिट और अकाउंट्स के विभाग का प्रमुख होता है, और वित्तीय शासन के संविधान और एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। अब आते हैं हम लोग ये देखेंगे कि अभी तक कौन कौन से व्यक्ति जो है कैग बने हैं और कितने व्यक्ति कैग बने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के प्रथम जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे वो थी B. नरहरि राव। इनका जो कार्यकाल था वो 1948 से लेकर 54 तक था। तो B. नरहरि राव अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1948 to 1954। इसके बाद नंबर दो पे आते हैं AK चंदा, जिनका कार्यकाल 54 से लेकर 60 तक था। इसके बाद AK राय
जो है ये 60 से लेकर 66 तक, प्रथम वाले सबसे महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन जाता है, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। बी नर हरि राव, तो बी नर हरि, नर मतलब इंसान, हरि मतलब प्रभु भगवान, तो बी नर हरि याद रखना बहुत आसान है, यानी नर के साथ में हरि हमेशा जुड़े रहते हैं, तो नर हरि, बी नर हरि। और चौथे नंबर पे है एस रंगनाथन 1966-72 तक। पांचवे पे ए बख्शी 1972-78 तक। प्रकाश, ज्ञान प्रकाश 78-84 तक। टी एन चतुर्वेदी 1984-1990। सी जी रमैया 90-96। बी के सुंगुल 96-2002। बी एन कॉल 2002-2008। एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, ये इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है, और या फिर 65 ईयर, इनकी मैक्सिमम एज जो होती है वो 65 ईयर है। अगर उससे पहले अगर 6 ईयर कंप्लीट हो जाते तो रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 65 ईयर पे इनको रिटायरमेंट होना ही है। विनोद राय 2008-2017। शशिकांत शर्मा 2013-17। राजीव महर्षि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय प्रेजेंट टाइम के सीएजी हैं राजीव महर्षि, जिनका कार्यकाल 2017 से लेके 2020 तक होगा। अब आते हैं थोड़ा सा राजीव महर्षि के बारे में जानकारी लेते हैं कि देखिए जो राजीव महर्षि हैं, ये पूर्व में भारत के ये गृह सचिव जो है रहे हैं, और ये 25 सितंबर 2017 को भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। 62 वर्ष का कार्यकाल, और ये 2007 से 2020 तक रहेंगे, यानी जो 62 वर्षीय महर्षि हैं, जो 2000 इसमें प्रेजेंट टाइम इनकी 62 वर्ष है जब ये नियुक्ति इनकी हुई थी, और इनका कार्यकाल जो है वो 7 अगस्त 2020 तक रहेगा। महर्षि राजस्थान कैडर के 1978 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS ऑफिसर हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, और कैग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, द कैग इज अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर, अथवा जब तक के लिए होती है जब तक इस बैठा व्यक्ति जो है, इस पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो 65 वर्ष की आयु का न पूरा हो जाए। अगर वो 65 वर्ष पूरा कर लेते हैं तब जो है रिटायरमेंट ले लेंगे, चाहे उनके 6 साल कार्यकाल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, या फिर उनका कार्य 6 साल पूरा हो जाता तब भी उनको रिटायरमेंट लेना हो, चाहे 65 वर्ष हुए हो या ना हुए हो। तो संवैधानिक अधिकारी के तौर पर कैग के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों के ऑडिटर और संसद व राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती है। तो इनके द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो संसद और राज्य विधानसभाओं को पेश की जाती है। इसकी रिपोर्ट जो है PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसको भी दी जाती है, तो वो इस पर अध्ययन करती है इसकी रिपोर्ट पे। अब आते हैं इसके लोगों पे। इनका जो लोगो है जिसका नाम है शिवम दुआ, इसमें देखा जाए तो भारतीय चिन्ह अशोक स्तंभ दिया गया है, गेहूं की जो बालियां दी गई हैं, नीचे कमल है, और एक पुस्तक दी हुई है, और साथ में हमारे न्याय का जो है लोगो दिया गया है, एक तुला। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके लोगों के साथ में कि इनका जो है टैग लाइन क्या है। तो इनका जो टैग लाइन है वो है लोक हितार्थ, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ये इनका टैगलाइन है। अगर इंग्लिश में देखा जाए डेडिकेटेड टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, डेडिकेटेड, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, डेडिकेटेड टू ट्रूथ, सर ट्रूथ हेयर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रूथ टू पब्लिक। इंटरेस्ट
ठीक है, तो ये इसका जो है टैगलाइन है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।